अरे वाह जी वाह। हाँ जी, आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो गई है पूरी और भुन चुकी है। ये कॉकटेल चिकन है हमारा, ये काफी फेमस है। किसके साथ सर्व किया जाता है ये? कीमा कुलचे के साथ, पाव के साथ, नान के साथ, रुमाली के साथ, के साथ भी खा सकते हैं। गाइस यहाँ पे हो गया मटन डन, निकालना जी एक पीस। क्या देख लो जी, दिस इज हाउ द मटन लुक्स। आइए आपको सूप पिला दूं तब तक खरोड़े का। वाह जी वाह, जेन्युइनली बता, इट्स सो गुड यार। ये देखो इधर आओ, गर्मा गर्मा बट कोई नहीं, ये देख रहे हो, इन्हू कहते जी खरोड़े का सूप। ओए वाह, यो 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 पीपल, हाँ जी कैसे हो जी, आई होप एवरी वन इज गुड। अब सीन ऐसा है कि मैं हूँ सेक्टर 56 गुड़गांव, विच इज बेसिकली अ फूड हब। यहाँ लाखों लोग रात को खाना खाने आते हैं, गाड़ी पे गाड़ी, बंदे पे बंदा। जिस जगह पे आया हूँ ना मैं दोपहर के समय हूँ, जगह का नाम है एग्जीक्यूटिव किचन, का व्लॉग मैंने पहले बनाया था। अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ यहाँ से सुनना, ये मेरे लिए आज बनाएंगे स्ट्रीट फूड स्टाइल मटन करी, दैट इज अमेजिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप इजी रेसिपी, विच यू कैन ट्राई इट होम। अगर नहीं बनेगा तो यहाँ के खा लेना। इसके साथ साथ कह रहे हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है, सर्दियों का मेन्यू है, एड ऑन है पाया सूप, खरोड़े का सूप जो सुपर हिट एंड मिलता कम है गुड़गांव में, जिनको पता है वो रहते हैं, जिनको पता है पता यहाँ नहीं मिलता। अब सीन ऐसा है कि इसका कह रहे स्टार्टर में खाना है फिश टिक्का, भट्टी मुर्ग, और साथ में कह रहे थे आपको खिलाना है हमारा मलाई टिक्का और अपने हाथ के कबाब, चिकन कबाब। आया था तो स्टाफ काम कर रहा था, मैडेड आइटम थी, इट्स एन ओपन रेस्टोरेंट, कैन आई से दिस, मिलती है चीज़ें दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है, मुंह में पानी आ जाए। अगर आप नॉनवेज लवर हो ना, दिस वीडियो इज फॉर यू, और ये सच्ची बात है भैया, भरोसा रखना। चलें बातचीत करते हैं एग्जीक्यूटिव किचन, जहाँ पे अभी भी तैयारी चल रही है, और मिलवाता हूँ विशाल जी से। हेलो सर, क्या हाल है? शोएब भाई क्या हाल है, नमस्कार, कैसे हो आप? आज मटन बनाना है आपने? हाँ जी हाँ जी, पूरी तैयारी आपके लिए करी हुई है। यहाँ पे मटन बनेगा और यहाँ देखो पीछे कैसे काम हो रहा है, बड़े लग रहा, पूरा ओपन रेस्टोरेंट कर दिया आपने, ओपन रेस्टोरेंट, ऑल करीज एंड स्टार्टर्स। हाँ जी हाँ जी, आज आपको एक मटन की रेसिपी देंगे। हाँ। जो कि एक ऐसी रेसिपी है, मेरे फादर साहब ने स्टार्ट करी थी। अच्छा। वो बहुत सारी रेसिपीज थी उनके पास, उनमें से एक है ये जो हम यहाँ पे करते हैं। चालू करते हैं। सो आज हम बनाएंगे 3 किलो मटन, इसमें हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सरसों का तेल डालेंगे। ये तेल होगा करीब 1200 ml के आसपास, 1200 से 1400 ml होगा। काम की रिपोर्ट ठीक है विशाल जी? बस बढ़िया शोएब भाई, भगवान की दुआ से ठीक चल रहा है। भगवान हमेशा साथ रहना चाहिए। जल्दी मीनवाइल यहाँ पे क्या हो रहा है? ये टोमेटो सूप है शोएब भाई, ये शाम को अच्छा इसकी डिमांड रहती है। अच्छा, ये हमारा खरोड़े का सूप है। अच्छा। अभी और एक और लॉट बन के आएगा, ये बैच कुकिंग होती है तो किचन से बन के आता है। खरोड़े दिखाओ सर, ये छोटे छोटे पीस होते हैं खरोड़े के। अच्छा, छोटे छोटे करते हो? हाँ, क्योंकि बहुत सारा, और दिखाओ, बहुत सारा बंदा एक साथ नहीं खा पाता कई बार, तो छोटी डिमांड है यहाँ पे लेस क्वांटिटी की। अच्छा अच्छा, क्योंकि और भी चीज़ें खानी होती, मार्केट इतनी बड़ी है, बहुत सारे आइटम है, तो एक ही आइटम से पेट भर जाएगा नहीं तो। शोएब हम ये तेल जलाएंगे थोड़ा सा, इसमें से धुआं निकल गया है, अब इसमें हम थोड़ा पानी का छींटा मारेंगे हल्का सा। ये थोड़े खड़े मसाले हैं, ये है तेजपत्ता है, बड़ी इलायची है, इसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, लौंग है, तो इसको थोड़ा सा हल्का सा चटकने देंगे। अब जाएगा इसमें लगभग 1.5 किलो के आसपास प्याज है। के प्याज होता है, मैं आपको तंदूर का आइटम दिखाता हूँ, हमारा ग्राउंड से जीरो ग्राउंड से बनता है, चिकन सीख बनता है, वहीं दिखा दो। आइए, अच्छा ये बड़ा जरूरी है कबाब, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कबाब अपने मसाले के होने चाहिए। सो ये है कबाब, क्या रुपए रेट दे रहे हो कबाब आजकल? ये अपना 180 का है, इसमें ये पूरा सीख आता है, एक स्क्यूअर आएगा। अच्छा, और 340 का है जिसके अंदर दो आते हैं, पूरा अच्छे से धनिया धनिया भर रखा है। हाँ जी हाँ जी, है ना, कमाल लग रहा है। कहाँ से दुनिया आती है खाने हमारे स्टार्टर्स। अरे वाह जी वाह, देख रहे हो शोएब, ये चिकन टिक्का है, एक पासपोर्ट साइज फोटो की चलूं? ओके, स्माइल, ऑलवेज लाइक दिस, नॉनवेज लवर। हाँ चलो जी, थैंक यू। सो ये हो गया जी चिकन टिक्का, ये हो गया मलाई टिक्का, मलाई टिक्का हो गया, बाकी इधर भट्टी मुर्ग है, भट्टी मुर्ग दिखाओ। सो भट्टी मुर्ग और इसमें क्या फर्क है टिक्का में? भट्टी मुर्ग अपना बोन वाला होता है। अच्छा, और ये टिक्का जो होता है वो बोनलेस है अपना। अच्छा, मैरिनेशन सेम रहता है, मैरिनेशन। अच्छा, हो गया भट्टी मुर्ग, ये है भट्टी मुर्ग है ये वाला, और ये हमारा है अफगानी चिकन। और फिश कहाँ यार, मोटी मोटी बात करो। फिश अभी लगवा रहे हैं, बस 5 मिनट दीजिए, फिश भी तैयार हो जाएगी। जा रही है जी सीख कबाब? हाँ जी, ये चिकन सीख है हमारा, वो भी लगा दो, भट्टी भट्टी जो बोलते हो, भट्टी मुर्ग लगा दो, भट्टी मुर्ग लिया बेटा। और मलाई टिक्का? मलाई टिक्का लगवा रहा हूँ जी, ठीक है जी। ये मैं चाहता हूँ यार, जब दुनिया देखे ना विशाल जी, दिमाग खराब हो जाए, मतलब मेरा पर्पस हमेशा ये रहता है वीडियो का, दैट पीपल शुड फील टेम्प्टेड यार। आप ही हमारी एक अच्छी, बहुत अच्छी मैरिनेशन है,
इसमें बहुत माल लगता है, ऐसा नहीं है कि नाम के लिए कलर, इसमें कलर बिल्कुल नहीं जाता किसी भी चीज में। ये जो भी आप कलर देख रहे हैं ये अपना देगी मिर्च और हल्दी का कलर है। हम किसी भी आइटम में, ये देखो मैं साथ साथ दिखा भी हूं, हम किसी भी आइटम में कलर नहीं यूज करते। ये अपना प्रॉपर अपना दही क्रीम उसकी मैरिनेशन है, मलाई टिक्का जो उसमें क्रीम भी डलती है, चीज भी डलती है। ये अपना बट्टी मुर्गा है, ये चिकन टिक्का है, ये अफगानी चिकन है, इसमें किसी में भी कलर नहीं है। हमारी आप सीख भी देख सकते हैं, कोई लाल पीला रंग नहीं है, नेचुरल कलर है जो चिकन कीमे का होता है। कहाँ से कहाँ ले गए अपने काउंटर को आप, पहले कहाँ दो चार आइटम थी? हाँ जी हाँ जी, कीमा पाव से स्टार्ट किया था, अभी नहीं कीमा पाव से स्टार्ट किया था, उसके बाद डिमांड आती गई चिकन की, तो उसके साथ साथ फिर हम अपना आइटम ऐड करते रहे। और ये देखो जी पूरा रेस्टोरेंट जैसे कहा ना, सारी रोटियां बोटियां। अच्छा वैसे बता दो विशाल जी, नोन फॉर तवा तवा चिकन, जहाँ से कहानी चालू हुई थी? हाँ जी, हमारे करे आइटम स्टार्ट हुए थे, कस्टमर्स को बहुत पसंद आता था करी, तो हाँ एक एक आइटम करके ऐड करते गए, तो इसलिए काफी सारी चीजें आ गई। इतना हो गया इनसे केटरिंग करानी चालू कर दी घर में। आज ये आप ये भुना मीट खाएंगे ना, ये आइटम आपको पता चलेगा बड़ा डिफरेंट आइटम है। मटन करी भुना मीट दोनों आइटम खिलाता हूँ आपको। शोएब है हमारा फिश टिक्का है, एक प्लेट के अंदर छह पीस आते हैं। हम सिंगाड़ा बोनलेस यूज करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा कहना नहीं है कि हम सुरमई करते हैं क्या करते हैं, सिंगाड़ा बोनलेस है तो सिंगाड़ा बोनलेस करके ही बेचते हैं। इस हंस क्यों नहीं रहे हैं आप? ठीक है आप परफेक्ट फ्रेम आए। इसका एक अच्छा मतलब इसका एडवांटेज ये है कि एक तो इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी होता है, प्लस ये बहुत सॉफ्ट फिश होती है, ये बहुत फ्लेकी नहीं होती। ये सारी फिश को आपको च्यू करना पड़ेगा, ये ऐसी होती है जब तोड़ेंगे मुँह में घुल जाएगी। शोएब थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया प्याज, इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये इसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाए और प्याज इवनली कुक हो जाए चारों तरफ से। आप देख सकते हैं। हाँ जी शोएब भाई, ये हमारा प्याज हो गया बिल्कुल गोल्डन ब्राउन, से हल्का ब्राउन कलर ले लिया इसने। अब हम इसमें डालेंगे मटन, तीन किलो मटन है ये, हमारे पास आते नली चाप और गोल के पीस। इसका कुकिंग टाइम क्या होता है विशाल जी? ये छोटा बकरा होता है, मटन जो होता है अराउंड 8-10 kg इसका होता है, तो ये पक जाता है 1.25 घंटे के अंदर, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता। शिवानी अभी भी नहीं आना चाहेगी, कैमरे पे नहीं आएगी? हाँ शिवानी आएगी, बिल्कुल आएगी। शिवानी कैमरे पे आओगे नहीं आओगे? आ जाओ। क्या हाल है शिवानी? आ ही गए फाइनली आप कैमरे पे, हैं? ना आने का रीज़न? नो स्पेसिफिक रीजन, बट आप काम तो इतना करते हो हमेशा, तो आप ही मिलते हो। शिवानी दिन में मतलब बैक एंड पे रहती है और रात को मैं बैक एंड पे रहता हूँ। वेरी गुड, शिवानी संभालती काउंटर। गाइस हार्ड वर्क पेज ऑफ यार, आई रिमेम्बर द जर्नी, वी मेड द वीडियो अबाउट 3.5 years ago, एंड तब से लेके आज तक उसी जगह पे इन्होंने सिर्फ काम बढ़ाया है। हैट्स ऑफ, बस सबकी मेहनत है, आपकी भी मेहनत है, हमारी भी है, बाकी खाना बनाने की कोशिश, बाकी टीम की मेहनत है, वो सबसे ज्यादा काम करती है टीम की मेहनत। यस, हरी मिर्च? हाँ जी थोड़ी हरी मिर्च है। शोएब इसको अब मैं 10-15 मिनट ढकने के लिए रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा मटन भी टेंडर हो जाए और मसाला भुन जाए। शोएब जी अब हम इसके लेट हटाते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है, मटन कितना गल चुका है, कितना भुन चुकी है प्याज। अरे वाह जी वाह। हाँ जी आप देख सकते हैं प्याज ब्राउन हो गई है पूरी और भुन चुकी है, गल भी चुकी है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, ये अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलिए 300-350 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट है। मज़ा आ जाएगा लोगों खा के? बहुत बढ़िया सर भाई, हमें तो अच्छा लगता है, बाकी आप बताना, तो कस्टमर्स का भी फीडबैक अच्छा आता है। आइए आपको सूप पिला दूँ तब तक खरोड़े का, जब तक ये मटन पक रहा है। दिखाओ जी, वाह जी वाह, क्या 100 रुपये कीमत है ना इसकी? हाँ जी 100 रुपीज़ का है, इसमें दो पीस आते हैं खरोड़े के ऐसे। अच्छा, सर्दियों का ये इट्स अ मेडिसिन, एंड वेरी गुड फॉर बोन्स एज वेल। हाँ जी हाँ जी, इसकी इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। गरम है बहुत ध्यान से? हाँ बिल्कुल गरम है। सही बात है, जो हिम्मत आती है ना सूप पीने के बाद, गर्माहट आ जाती है। एंड इम्पोर्टेंटली यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इनकी शादी होने वाली है? आपकी शादी होने वाली है? मुबारक हो। कब इसी साल है? अभी डिसाइड नहीं हुआ बट बात चल रही है। लड़की फाइनलाइज्ड है? हाँ वो सब सेट है। अच्छा लव मैरिज है ब्रो या रिश्ता मिला है? हाँ अरेंज मैरिज है। अरेंज है कोई नहीं दादा, वैसे अरेंज को आजकल लव को अरेंज मैरिज को वीडियो दिखाना यार फिर सबको है। जेन्युइनली बता, इट्स सो गुड यार। ये देखो इधर आओ, गर्मा गर्मा बट कोई नहीं, ये देख रहे हो, इन्हू कहते जी खरोड़े का सूप। ओए वाह, कोई नहीं। शोभा इसमें हम टमाटर डालेंगे, ये हमने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है, तो अंदाज़ा इसका कम से कम ये कि 1 किलो के आसपास टमाटर पिसा हुआ चला जाता है। टमाटर के साथ साथ ही हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और ये मसाले हैं के अंदर है नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मटन का मसाला है।
आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये अंदाजे के हिसाब से, ये अंदाजे के हिसाब से है। धनिया पाउडर वगैरह सब कुछ है। हाँ जी, हाँ जी। आप इसमें और डालेंगे देगी मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए, ये कलर भी देती है और थोड़ा सा टेस्ट भी देती है। शोएब भाई ऑलमोस्ट भुन चुका होगा मसाला इसका। हाँ, जैसा हम देख रहे हैं कि भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे दही, फेटी हुई। हाँ, ये फेटी हुई दही है, ये करीब 400 ग्राम के आसपास की दही है। विशाल जी, ये तवा चिकन है? हाँ जी, ये तवा चिकन है, वहाँ से बन के आया है। अच्छा, तो गाइस ये पहले बेसिकली क्या होता है, यहाँ तैयार कर रहे हैं, पहले तो तवा होता था यहाँ पे, बट अब ये बाद में पैन में करोगे? हाँ, इसको बाद में पैन में फाइनल करके देते हैं, पहले तवा लगता था, अभी यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तवा लगा नहीं सकते, तो एक कुक करके लाते हैं। गाइस ये अभी ना फ्रेश बन के आएंगे डोंगे किचन से। क्या क्या यहाँ पे? ये देखो शोभा, ये दाल मखनी है। वेरी गुड, आगे चलो जी। ये कॉकटेल चिकन है हमारा, ये काफी फेमस है, सारा थाई बोनलेस यूज़ करते हैं। सारा थाई बोनलेस है ये। मसालेदार स्टार्टर समझ लो एक तरह से। किसके साथ सर्व किया जाता है? ये कीमा कुलचे के साथ, पाव के साथ, नान के साथ, रुमाली के साथ, के साथ भी खा सकते हैं। वेरी गुड, क्या बात है। हां, ये तवा चिकन है, ये तो दिखा दिया जी, बहुत बढ़िया। गाइस यहां पे हो गया मटन डन, निकालना जी एक पीस। क्या देख लो जी, दिस इज हाउ द मटन लुक्स। रंग देख रहे हो इसका, आखिरी क्या होगा इस पे? धनिया जाएगा, धनिया जाएगा, थोड़ी सी कसूरी मेथी जाएगी। ये लो जी, ये कसूरी मेथी आ गई थोड़ी सी, बस लास्ट फाइनल गार्निशिंग हो गई। बहुत ही बढ़िया, इसका चलो प्लेट पर डाल के दिखाते हैं। चलिए, हो गए जी स्टार्टर सारे। हां जी, ये क्या है? फिश टिक्का। और ये हो गया जी मलाई टिक्का, देख रहे हो जी इनका चिकन टिक्का। टिक्का तो पता है, दिस इज द बेस्ट फॉर्म। हाँ, जस्ट सेइंग, इसमें ना चिकन का चार अलाइव रहता है, मतलब जिंदा रहता है और स्मोकी फील भी रहता है। मलाई में बस ये होता है थोड़ा सॉगी हो जाता है, बट हाँ, पीपल लाइक क्रीमी टेस्ट इज वेल। ये हो गया जी सीख कबाब, ये हो गया जी कबाब तैयार। ये तैयार हो गया जी भट्टी मुर्ग, पूरे तरीके से हड्डी वाला, मसालेदार, चटकारे मारता हुआ। अरे वाह, मिर्ची परांठा, ये गार्लिक पराठा, क्या बात है। विशाल जी आपने ना बस ऊपर दीवारें नहीं है तो रेस्टोरेंट ही है, मैं सच बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज ही नहीं जो बची हो ना आपके पास। कोशिश है सारा कुछ देने की कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से। पर विशाल जी थोड़ा सा ना क्वालिटी का हिसाब मुश्किल ही हो जाता रखना, जब यू हैव सो मेनी थिंग्स, पहले यू हैड 5 थिंग्स, नाउ यू हैव 25 थिंग्स। अब ये किचन में सारा का सारा अब इसलिए प्रिपेयर कराते हैं, यहाँ पे ओपन एयर में पहले जब था वो कंट्रोल रहता था, करते थे कोशिश, बट ये थोड़ा दिक्कत होती थी बारिश वगैरह में, इसलिए हमने किचन में सारा बनाया है, हमारा पूरा स्टाफ है, तो हमारे पूरे मेजर्स होते हैं। एंड मोर ओवर यू हैव अ बिगर टीम। हाँ, बिगर टीम। ये देख लो जी, ये मटन डल रहा है हमारा जो इन्होंने पूरा तैयार किया था, ये सी द शक्ल एंड ऑल, एकदम ब्राउन कलर का। एंड लास्ट पीस शैंका, ये नल्ली, देयर यू गो। थैंक यू वेरी मच विशाल जी। वेलकम शोएब भाई, वेलकम। खा के बताइएगा कैसा। और तरह की रोटियां लगाते हैं विशाल जी? है तो और भी शोएब भाई, बट मेरे ख्याल में ना बहुत है ये मैडम। एनीवन गाइस, दिस इज अमेजिंग यार, दिस इज स्ट्रीट फूड प्रॉपर दिल्ली स्टाइल, जहाँ पे टिक्के कबाब और करी वगैरह। हल्का सा नींबू लेके ना पहले डाल देता हूँ। ये देखो जी, ये है जी अमृतसरी मच्छी, ये है जी सीख कबाब, ये है जी भट्टी मुर्ग, ये है जी चिकन टिक्का, और हल्का सा मलाई टिक्के में डालूंगा जैसे पहले से भी डाला हुआ था। ठीक है जी, चालू करें? ऑल राइट, मच्छी से चालू करते हैं। ये देखो, ओए होए होए, देख रहे शक्ल कैसे टूथपिक से निकल रहा है हिसाब किताब। ऑल राइट, 3 2 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो विन। ये देखो, ये देख रहे हो, आराम से गाड़ी में बैठो, ये पीस खाओ। हाँ हाँ हाँ, विशाल जी को ना मूली भी रख दें, मूली तो रखे बड़ी जरूरी मच्छी के साथ। प्यार से मूली और हरी चटनी वाली नहीं, प्रॉपर पुदीने की दही के बना, मतलब सीख कबाब देखें। चलो जी, क्या जी सीख कबाब आ जाए इसको। आई लाइक द फैक्ट दैट स्पेस कम होने के बाद सो मेनी अमाउंट ऑफ पीपल दैट वर्किंग द रिजल्ट्स आर दीज कबाब्स डिलीशियस।
And I came to know that he's also running a cloud kitchen, जहाँ से आधा काम करके आते हैं, so that helps them. तो ऐसे काम करना is impossible. ये देखो जी, ये जी भट्टी मुर्ग, non-veg lovers. So imagine करो, मतलब मैं चाहता हूँ आप ये सोचो कि आप मेरे साथ यहाँ खड़े हो और हम मिलके खा रहे हैं और सर्दी के मौसम में खा रहे हैं. एंड फूड इज डिलाइट यार, मतलब एवरी डे एक्साइटमेंट किसकी होती है शाम को, आज अच्छा खाना खाना है, कुछ नया खाना है, कोई नया स्वाद है. विशाल जी जो मसाला है ना, नेक्स्ट लेवल यार. एंड जितना डाला है बड़ा परफेक्ट डाला है, मतलब भट्टी मुर्ग अमेजिंग. सो यू नो मैं तो फिर भी खाना तब खाता हूँ जब मैं इसके शॉर्ट्स वगैरह ले रहता हूँ, 10 मिनट निकल जाते हैं, हल्का ठंडा होता है. आप कब खाओगे सोचो, जब एकदम पाइपिंग हॉट होकर आपके हाथ में सर्व कर देंगे, गाड़ी में सर्व कर देंगे. अगर किसी ने कहा पेड प्रमोशन है तो आप ना वीडियो मत देखो, उसका ये बताया क्या, क्योंकि भरोसा नहीं है. लुक एट द एफर्ट दैट वन पुट्स इन द वर्क, दे आर ऑल हार्ड वर्किंग पीपल, दे बीन कॉलिंग मी, नॉट कि वीडियो बना रहे तो हम नई नई चीज़ें कर रहे हैं, कुछ बेटरमेंट कर रहे हैं. जैसे कि ये तो मैंने भट्टी मुर्ग खाया, मैंने डस्टबिन डाल के लाया. हाँ जी बैक जी, तो काम अच्छा कर रहे हैं. आई लाइक इट यार, जब टाइम मिले वीडियो बनाओ, बिकॉज अगर ये ऑफरिंग है आप भी अगर ट्राई करो ना. ठीक है, आई थिंक ये और भट्टी सेम ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था. एग्जैक्टली सेम. तो रिव्यू नहीं है, बोथ आर गुड, विद बोन और बोनलेस वाली बात है. तो या जी अजी मलाई टिक्का, ये लो जी. सिंपल नाइस मलाई टिक्का जैसे होना चाहिए. सबसे बड़ी बात है टिक्कों में जो साइज़, ये देखो जाओ ये साइज़ देख रहे हो, दिस अ परफेक्ट बाइट. इससे छोटा थोड़ा हमें छोटा लगता है, इससे बड़ा हमें लगता है, एक बाइट पे खाने आता टिक्का. इट्स वेरी एक्यूरेट दैट वे. एंड टिक्कों में ना डोंट बिलीव दिस, दे वुड प्रॉब्ली लाफ, बट राइट साइज ऑफ अ टिक्का इज अ परफेक्ट बाइट. क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही टिक्का एक बाइट में खाया जाता है, यू कांट हैव टू बाइट्स पे, वो दैट्स नॉट कूल यार, कि वापस आपने मार दिया. तो एक बाइट है पूरा दिया, खत्म, वाली बात है कि नहीं है. आजा जी मेन मटन, जिसकी हम वीडियो बनाने आए थे, जिसके रीजन के लिए मैं वीडियो बनाने आया था, गार्लिक नानी, आई थिंक नॉर्मल रोटी के साथ खाएंगे, पेट का फ्लेवर ना बदले. आजा जी ये देखो जी, ये है जी नल्ली का पीस, सरसों के तेल में तैयार, जिसकी हमने रेसिपी सीखी. अगर ये स्वादिष्ट है तो आपको एक आज अच्छी नई रेसिपी पता चली है, विच यू कैन ट्राई एट होम एंड मे बी योर फैमिली वुड गेट इम्प्रेस्ड. ऑलराइट, 3, 2, 1 सब्सक्राइब, लेट्स गो इन. माना दोस्त मटन करीज, जिसे आप कंफर्ट मील कह सकते हो, घर में बनाया, दिस कैन गो विद राइस, नान, लच्छा पुच्छा, जैसे भी है. इसको ज़्यादा गाढ़ा कर लोगे तो ज़्यादा भुन जाएगा, भुना मटन बन जाएगा. इट्स ऑल अबाउट दैट, मतलब ये मटन वो है जिसको देख के आप ये नहीं कहोगे ओह आई मेड समथिंग स्पेशल, बट आई मेड समथिंग टेस्टी दैट एवरीबडी वुड लाइक. मतलब ऐसा कुछ है, मसाला सा करे, एक बैलेंस फ्लेवर है, मटन अच्छे से पका हुआ है. मैं होता तो सिर्फ एक चीज़ करता कि मटन के पीस बड़े खरीद के लाता, क्योंकि मैं घर में बना रहा हूँ. ये लोग ऑब्वियसली कमर्शियल जगह में, सो दे हैव टू सी एवरीथिंग, द कॉस्ट एंड ऑल. हाँ, वंस अगेन एग्जीक्यूटिव किचन डूइंग अमेजिंग वर्क, एंड हैट्स ऑफ टू देम कि ऐसे जा रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे, क्वालिटी को भी ऐसे लेके जा रहे हैं. ठीक है कि नहीं है? डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, नंबर्स वगैरह, पहुंच जाना, टेक माई रेफरेंस, ट्राई द मटन सूप इस वेल, जो मैंने पहले किया था. और ना कुछ बताना, शोएब अरोरा लिखना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे. एंड विनती है यार, करो फॉलो, बिकॉज लॉट ऑफ एफर्ट गोस, लॉट ऑफ वर्क गोस, सर्दियों में आते काम करते हैं. ठीक है कि नहीं? बहुत जल्द मिलूंगा, टेक केयर, आई एंजॉय दिस फूड, बाय.